बालाजी एज्युकेशन सोसायटी संचालित श्री बालाजी हिंदी माध्यमिक विद्यालय भिवंडी पुलवामा येथे शहीद झालेल्या जवानांना विद्यार्थी शिक्षक वर्ग संस्थेचे संस्थापक अध्यक्ष चंद्रमोळी आडेपजी, मुख्याध्यापक श्रीनिवास आडेप, माध्यमिक विभाग दशरथजी काजगर, मुख्याध्यापक प्राथमिक विभाग या सर्वांनी श्रद्धांजली कार्यक्रमात विद्यार्थ्यांनी जवानांप्रति कृतज्ञता व्यक्त केली. आडेपजी यांनी आपले दोन शब्द व्यक्त केले. जादव अर्डेक्स भरा हुआ था और वहां पे एक आदिर अहमद करके एक शख्स उस गाड़ी में, वो गाड़ी चला रहा था स्कॉर्पियो. जैसे ही लश्करों का वहां से काफिला वहां पर पहुंचा तो उन्होंने क्या किया, वो जाके स्कॉर्पियो जाके उधर एक गाड़ी पर, लश्करों की एक गाड़ी पर वहां पे धड़क दी और वहां पे अपने 42 जो है जवान शहीद हो गए. श्रद्धांजलि तौर पे यहाँ भी शिक्षकगण वहाँ पे फूल डालेंगे. एक मिनट अपनी आँख बंद करो. मेरे सर शिक्षक और यहाँ पर उपस्थित सारे बच्चे, जो 14 फरवरी को जो आतंकवादी हमला हुआ उससे जो नुकसान इस देश को हुआ, अंजलि के लिए हमने यहाँ पे एक छोटा सा श्रद्धांजलि कार्यक्रम रखा है. तो के प्रति वो प्रकट करने के लिए पहले आ रहे हैं. कश्मीर के पुलवामा के पास हुए सबसे बड़े हमले के ऊपर कुछ संक्षिप्त में कहना चाहूँगी. मोहम्मद के आत्मघाती हमलावर ने इतना जबरदस्त था कि बस के पर खच्चे उड़ गए. 10 किलोमीटर तक धमाके की आवाज़ सुनाई दी. यह हमला उड़ी हमले से भी भयानक था. जब ताने के बाद ड्यूटी पर लौट रहे थे तभी जम्मू कश्मीर हाईवे पर अवंतीपोरा इलाके में करीब 3:15 पर आतंकियों, हम सब अपने परिवार के साथ बैठ कर तरह तरह के स्वादिष्ट भोजनों का आनंद ले रहे होते हैं और इतना सुंदर तरीके से इन्होंने विस्तार के आगे और बढ़ाते हुए मैं रेहाना कुरान शहीद हुए हैं उनकी श्रद्धांजलि के अवसर पर हम यहाँ पे उपस्थित हुए हैं. जिस किसी मनुष्य के अंदर अपने देश के सुरक्षा के प्रति प्रेम होता है वह मनुष्य वीर होता है. सम्मान ऊंची रहेगी सदा. कट जाएंगे सर फिर भी झुकेंगे नहीं कभी. लड़ते लड़ते मर जाएंगे रुकेंगे नहीं कभी. तिरंगा के रंग में जैसा रंग जाएंगे हम एक दिन. हृदय में प्यार लिए तुम्हारे मिट जाएंगे एक दिन. हिलेंगे कलिए फिर दोबारा बहेंगे फिक्र मौत की. तुम पर करेंगे जान कुर्बान. बचा कर दिखलाएंगे अपने भारत माता की शान. थैंक यू रेहाना सुंदर कविता के लिए. ये उन शहीदों के लिए है जो हमारे लिए ही जम्मू कश्मीर के पुलवामा के जिले में हमारे बयाली जवान शहीद हुए. उन शहीद जवानों के लिए उनके प्रति मैं दो शब्द बोलना चाहूँ. भारतीय अपने देश सैनिक हमारे देश की रक्षा करते हैं. यह सब हमारे देश की सरहद की रक्षा होती है. हम सब चैन से अपने हम अपने चैन से अपने भारत देश में निवास कर पाते हैं. हमारे देश ये सुरक्षा प्रदान करने के लिए चारों ओर सरहद पर फैले हुए हैं. भारतीय सैनिक हमारे देश के लिए अपनी जान तक निछावर करने से नहीं चुकते. हमारे देश में तरह तरह के वर्ग के लोग रहते हैं. वह जीवन में खुश जो सरहद पे हमारी रक्षा करता है. क्या आपने कभी सोचा है जो हमारी रक्षा करते हैं उनके परिवार भी होंगे, उनके बच्चे भी होंगे, उनके माता पिता भी होंगे. लेकिन दोस्तों वो हमारी रक्षा करने के लिए अपने परिवार का त्याग करते हैं. वो ऐसे वीर जवान हैं जो भारत माता की रक्षा करते हैं. खुद अंत में वीर जवान कहलाते हैं. कहते हैं नील उड़िया ये सोच कर हमने क्या किया देश के लिए. नील उड़िया ये सोच कर हमने क्या किया देश के लिए. आज फिर किसी फौजी का सरहद पर बात खून मेरी नियान है. ऐसे जबात फौजी हमारे भारत की शान है. इन्हीं की वजह से हम लोग चैन की नींद सोते हैं. यह देश की रक्षा के लिए अपने प्राण तक त्याग देते हैं. इन्हें अपने घर परिवार से ज्यादा मातृभूमि से प्यार होता है.
तभी तो ये लोग घर से दूर उचित सम्मान दिया जाना चाहिए और उनके घर वालों को भी उचित व्यवस्था दी जानी चाहिए। एक सैनिक को याद बहुत ही आती है, कहा गए लाल मेरे तू माँ आवाज लगा दे। देश के शहीद जवानों को श्रद्धांजलि देने के लिए यहाँ उपस्थित हुए हैं, यहाँ सुरक्षित खड़े हैं। इसका हम यही कारण है कि हमारे देश के जवान देश रक्षा के लिए सीमा पर तैनात है और देश के लिए अपनी जान तक गाने के लिए तैयार हैं। लेकिन कुछ दिनों पहले एक दुखद घटना हुई। हम सब जानते हैं कि 14 फरवरी के दिन साए में बैठे हैं रहने वालों अपने घर परिवार के निर्तात निर्जग के कर्तव्य निर्वाह करने वाले जाबाज सैनिकों को विस्मित कर देना बस इतना सा ही तो दायित्व निभाते हैं। ना कोई बालक ना दिखता है, ना ही भारत माता की जय। घरों में चैन की नींद सोते हैं, सैनिकों के बिना हमें सुरक्षित रहना संभव नहीं है। जवानों पर जिस तरह कार्यकर्ता पूर्वक आतंकवादियों ने छल से उनकी हत्या की है उसे खून यूं ही बहता रहेगा। 44 सैनिक शहीद हुए हैं, हम उन शहीद सैनिकों को श्रद्धांजलि देने के लिए यहाँ उपस्थित हुए हैं। दोस्तों, जैसे कि हम जानते हैं कि आर्मी हमेशा से ही देश का गौरव है, बड़ी घटना थी या हमें पता है कि हमारे देश के सैनिक अपनी जान की बाजी लगाकर हमारी रक्षा करते हैं। देश के प्रति अपना कर्तव्य निभाने वाले पुलवामा हमले में शहीद जवान शहीद सैनिकों को मैं अपने चंद्र शब्दों से श्रद्धांजलि अर्पित करना चाहता हूँ। सच यह है कि एक सैनिक अपने परिवार से दूर अपने सीमा पर तैनात रहता है। पुलवामा हमले में शहीद हुए सभी 44 अपने सीआरपीएफ जवानों को मनपूर्वक श्रद्धांजलि। पहली बात तो हमें यह समझना होगा कि आतंकवादी लोग हमला क्यों करते हैं। जब तक हम एक हैं, भारत में सारे समुदाय लोग जब तक एक साथ में हैं, तब तक कोई भी आतंकवादी या कोई भी पड़ोसी मुल्क हमारा कुछ बिगाड़ नहीं सकता। समुदाय आपस में लड़ते झगड़ते जवानों को प्रति जो श्रद्धांजलि का प्रोग्राम रखा है उसमें मैं जवानों को श्रद्धांजलि दे रही हूँ मन से तन से। और अपन ज़्यादा कुछ नहीं कर सकते, श्रद्धांजलि दे के यहाँ रुकना नहीं है। आज ये स्कूल में जो बच्चे पढ़ रहे हैं वो आगे जाके ऐसे शपथ लेंगे कि हम इसमें ये स्कूल के 10-12 बच्चे तो आर्मी में जा सकते हैं आगे बड़े हो के। अभी नहीं बोल रही हूँ मैं तो, ये प्रोग्राम रखने का कुछ मतलब निकल सकता है। ये समारोह श्रद्धांजलि समारोह आयोजन किया है और इसमें 14 फरवरी को जो आतंकवाद हमला हुआ है, हमले में जो शहीद हो गए जवान उनके श्रद्धांजलि में आज का ये कार्यक्रम आयोजन किया है। बॉर्डर में जो है आतंक सोचते रहते हैं इस देश में कुछ गड़बड़ करे उनकी। हमारे बच्चे जो है आप भावी भविष्य हो, आप आर्मी सेना में ज़रूर भर्ती होंगे, लेकिन मुझे बताते हुए खुशी होगी कि इससे पहले ही हमारे एक स्टूडेंट जो है वो आर्मी में भर्ती है जो 4 साल से सेवा कर रहे हैं। और हमें पूरी आशा है कि इसमें से जैसे मैडम ने कहा वैसे 10-12 ना होकर कम से कम एक 50 बच्चे उसमें जाएंगे तो सच में हमारे स्कूल के लिए हमारे लिए मंडी में कि ऐसे स्कूल के बच्चों को तैयार करते जो देश के लिए लड़ने के लिए खुशी खुशी से आगे बढ़ते हैं, देश की सेवा कर सकते हैं। और इस तरह से जो हमारे यहाँ पर जो जवान हैं वैसे पराक्रम काम हमारे स्कूल के बच्चे भी करेंगे इसकी हमें